नमस्कार, आज आपको मुंगरी की रोटी बनाना बनाकर दिखाता हूँ। आज आपको ये सबसे पहले तो थोड़ा जो थोड़ा कच्ची और हार्ड सी मुंगरी होती है उनको पीस रहता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, तो उनको इसमें मिक्सी में पीस लेते हैं आराम से। और इसकी देख लीजिए आप थिकनेस करीब कितनी होनी चाहिए। इसमें हरी मिर्च, लहसुन आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं, और इतना इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि एक फैल जाए। सबसे पहले कड़वे तेल में ज्यादा कारगर होती है, क्योंकि कड़वे तेल का जो फ्लेवर है उसका अलग ही आनंद है। उसके बाद इसको थोड़ा करकरा करने के लिए, मतलब इसके स्वाद को इसमें स्वाद के हिसाब से भी और इसका टेस्ट देने के लिए जख्या डाल देते हैं। उसके बाद हमने इसको तवे में डाला और आप अपने हिसाब से जितनी मोटी खानी है आपको या जो पतली भी करना चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें हरी मिर्च, लहसुन आप पीस सकते हैं, लेकिन स्वाद जो है वो मरे नहीं, इतना ज़्यादा भी ना डालें, अपने फ्लेवर के हिसाब से डालें। आप आंच थोड़ा तेज ही रखें जिससे करारी और तेल की मात्रा भी थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए। एक्चुअली इसका मजा लोहे के तवे में आता है और यहाँ पे थोड़ा असुविधा है तो नॉन स्टिक यूज कर रहा हूं मैं। अभी टाइम लेगा, तेज आंच चाहिए होती है जिससे फिर वो करारा करारापन रहता है उसमें और रंग भी मतलब पीला पीला सा रंग ना हो, थोड़ा ब्राउन होना चाहिए क्योंकि आई अपील भी बहुत जरूरी होती है। तेल थोड़ा अधिक हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा तेल कम डाल दिया है। एक रोटी बना के आज आपको दिखाता हूँ मैं। थोड़ा मेहनत तो लगती है इसमें, थोड़ा करने का प्रयास इच्छा होनी चाहिए और स्वादिष्ट। और इसी प्रकार आप पकौड़ी भी बना सकते हैं। पकौड़ी में आप प्याज का उपयोग कर सकते हैं, प्याज को डाल दीजिए आप लंबे लंबे काट के, तो टेस्ट में फिर अंतर आ जाता है। और ये तभी नॉन स्टिक में इतना कारगर नहीं है जो लोहे के तवे में आता है जो मजा। थोड़ा तेल ज़्यादा डालिएगा क्योंकि आपको लग रहा होगा इसमें थोड़ा तेल की कमी हो गई है। और अगर रोटी चिपक गई और टूट गई तो फिर पूरा आनंद नहीं आ पाता, क्योंकि एक बार पक्का होता है। ये देखिए आप रंग और बड़ा अच्छा टेक्सचर भी है और हाई अपील बहुत अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है। तो फ्लेवर के लिए आप थोड़ा सा हींग भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर। अगर आप मक्के का ओरिजिनल टेस्ट खाना चाहते हैं तो फिर और कुछ ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल बीच में हरी मिर्च डाल दीजिए, वही बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आंच ठीक ठाक रखें, फुल आंच रखें। आप भी आराम लीजिए।